जिला अस्पताल में घंटों भर टॉर्च की रोशनी में उपचार, आईसीयू वार्ड में बिगड़े हालात, नहीं चले जनरेटर, मरीजों और स्टाफ को उठानी पड़ी परेशानी। शिवपुरी जिला अस्पताल में बुधवार की शाम काफी लंबे समय तक ब्लैकआउट की स्थिति निर्मित होगी। शाम को करीब 5 बजे के बाद 1 घंटे तक आईसीयू जैसी यूनिट में गंभीर मरीजों का उपचार टॉर्च की रोशनी में किया गया। मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि यहाँ भर्ती मरीज बेहद गंभीर होते हैं। खास बात यह है कि इस 1 घंटे के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने लाइट चालू करवाने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही लाखों रुपए की लागत से लगाए गए जनरेटर को लाइट चलाने के लिए जलाया गया। अस्पताल स्टाफ टॉर्च की रोशनी में मरीजों को इंजेक्शन लगाती रही। ऐसे में अगर किसी मरीज के साथ कुछ अनहोनी होती तो जिम्मेदार कौन होता। खास बात यह है कि जिला अस्पताल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई बार मरीजों को ब्लैकआउट की स्थिति का सामना करना पड़ा है और स्टाफ को अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उपचार करने को मजबूर होना पड़ा है।